आज हाई वोल्टेज मैच रही भारत एवं पाकिस्तान भितर आउ किछि समय मात्र अपेक्षा 2:30 टस पड़ एवं 3:00 बॉल पड़ तेबे एशिया कप सुपर फोर में आज भारत पाकिस्तान महामुकाबिला श्रीलंकार कोलंबो रे हेबो कड़ा टक्कर आउ मात्र किछि समय अपेक्षा रही ग्रुप पर्यायर वर्षा जो मैच धोई हो जाता दुई दल पॉइंट भाग करते आज वर्षार संभावना थी किसी गणमाध्यम रिपोर्ट कहूँ किंतु रिजर्व डे बा संरक्षित दिन रही जदि आज मैच हो पारुनी तेज आसंता काली मैच खेल ये तो पापाग कथा एवं मैच उपर कथा क्रिकेट विशेषज्ञों मतरे आज लड़ई पाकिस्तान बोलर बनाम भारत बैटिंग भितर पाकिस्तान पेस आटाक विश्वस्तरीय एक स्वीकार करने को पड़े साइंस आफ्रिदी नसीम शाह हारी स्ट्रोफ भाई उच्चकोटीर द्रुत बोलर पाकिस्तान अच्छा विगत किसी मैच रे भारतीय टॉप ऑर्डर बैटिंग को ये बोलर मैंने उपाड़ी फुपाड़ी देखते अनेपटे आज मैच पर गोटे दिन पूर्व निज चूड़ा एकादश घोषणा कर कन्फिडेंट थी इशारा दे पाकिस्तान किंतु भारत चूड़ा एकादश को नहीं एवं द्वंद जसप्रीत बुमराह दल को फेरी थी आज मैच खेलेंगे सेपटे केएल राहुल फिट किंतु फॉर्म्रे ईशान किशन को भी 11 जनीया तालिकार बात दे हेबनी एभली स्थित आज क्या दल चूड़ा एकादश में सामिल कर तारी रही समस्त नजर गत वर्ष सुपर फोर लड़ई में पाकिस्तान ठारु भारत हारी जाइथिला सेथिपाई पाकिस्तान को परास्त करबा को हेले भारतीय खेलाड़ी को आज केतोटी विशेष रणनीति सहित पड़िया को ओल्हाइबा को हेबो आउ टीम इंडिया आगरे अनेक चैलेंज मध्य रहिबो कारण विश्वकप पूर्वरु एशिया कप शक्ति परीक्षार गोटे बड़ लड़ई आज मैच जितबा को हेले उभय बैटिंग कथा कहतु बोलिंग कथा कहतु फिल्डिंग सबुथे भारत को कमाल करने को पड़ विशेषकर विगत मैच रे जमी आम देखी जे पाकिस्तान मैच तो वर्षापी रद्द होगा बातिल होगला पॉइंट भाग करते किंतु नेपाल विपक्ष मैच कहला जे नेपाल विपक्ष में भारत गोटे सहज विजय हासिल कर वर्षापी हुए तो भारत सहज विजय हासिल कला किंतु नेपाल जो भाई प्रकार बैटिंग कला निहाती भाव में प्रशंसा योग्य एवं भारतीय खिलाड़ी जो भाई प्रकार कैच मिस करते एपरिकी विराट कोहली मध्य कैच मिस करते आज से क्योंटी ना क्योंकि फिल्डिंग को मध्य कड़ाकड़ी करने को पड़ टाइट फिल्डिंग करने को पड़ कारण जदि कैच मिस हो तेज मैच मिस हो संभावना रही आउ गोटे बड़ कथा हो वर्तमान सुधा चलित एशिया कप रे भारत पूर्णांग मैच खेली पारि नाही पाकिस्तान विपक्ष मैच अधारू बंद होगा पर नेपाल विपक्ष में वर्षा बाधक साजिता भारत बैटिंग बेल को ओभर कम कर संशोधित लक्ष्य दि जाइला जहाँफल केवल शुभमान गिल और रोहित शर्मा भारत को जितई देव अगर बैटिंग देखा मिलनी रविवार को समान परिस्थिति रोकता कहु तेज आहत फेरी केएल राहुल श्रेयस अय्यर जसप्रीत बुमराह को अधिक सुजोग देवा लक्ष्य रही भारतीय दल चूड़ा तो एकादश में क्या सामिल करपेक्षा किंतु यार भितर अनेक चैलेंज आज रही टीम इंडिया आगे कारण पूर्व मैच में जो त्रुटि भारत कर भूल को तो आज दोहर कौन चैलेंज रारत आगे आसत नजर पकड़ भल आरंभ को बड़ स्कोर में परिणत करने को पड़ दुई ओपनर भल स्कोर करने को पड़ गोटे लंबा इनिंग खेल रोहित शर्मा और शुभमान गिल को पाक बोलर को ऊपर चाप प्रयोग करने को हेबो जहाँकि विगत मैच में जमा भी देखा मिलूनी दुई अभिज्ञ बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली बैट रु रन आसवा निहाती दरकार फिल्डिंग में सुधार आने को हेबो जमी मुझी जदि कैच मिस आप करते तेज मैच मिस हो डाउन ऑर्डर में भल बैटिंग करने को पड़ कारण विगत पाकिस्तान विपक्ष मैच जमी आम देख लु उभय टॉप ऑर्डर और डाउन ऑर्डर संपूर्ण भाव विफल होता बोलिंग विभाग में प्रभावी प्रदर्शन करने को पड़ टीम इंडिया को आउ भल आरंभ को बड़ स्कोर में परिणत करने को ये हम सब बड़ चैलेंज टीम इंडिया कारण जो दुई ओपनर आसुंट रोहित शर्मा और शुभमान गिल एम को आज गोटे लंबा इनिंगस खेल आटलिस्ट 10 ओवर जाए नुआ बॉल रे भारत को विकेट दबार नहीं जदि 10 ओवर जाए ये दुई खेला क्रीज उपर रही तेज हुए तो 300 उपर गोटे बड़ टार्गेट आम पाकिस्तान को दे पारा जदि आग बैटिंग करुँ जदि चेज भी करुँ तेज यही दुई बैट्समैन ओपनर विशेषकर दुई ओपनर को गोटे भल स्कोर एवं लंबा समय पर्यंत क्रीज रे रही पड़ ये टीम इंडिया चैलेंज और चैलेंज को निहाती भाव आज टीम इंडिया सामना कर कारण विगत मैच में आम देखी केमी पाकिस्तान विपक्ष मैच में उभय टॉप ऑर्डर और डाउन ऑर्डर संपूर्ण विफल मारी था हाँ मैच काढ़ी नहीं थे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या किंतु जदि दुई जन भितर कह गोटे विकेट पड़ जाता तेज हुए तो 200 रन भितर भारत सीमित रही जाता किंतु आज मैच में हुए तो से भूल भारत दोहरबन जो टॉप फोर बैट्समैन रही रोहित शर्मा शुभमान गिल विराट कोहली श्रेयस अय्यर किंवा लोकेश राहुल आज जहाँ को भी सुजोग मिलू
এই চারিজন ব্যাটসম্যান যে ফাষ্ট আসবে সে ব্যাটর গোটে ভাল স্কোর আশা রাখি ক্রীড়াপ্রেমী এবং ভারত সব বড় চ্যালেঞ্জ রহব। রোহিত শর্মা নেতৃত্বে ময়দান ওহ্লাইব টিম ইন্ডিয়া এবং সবুঠ বড় কথা যে আজ চূড়ান্ত একাদশে কি সামিল হবে তা গোটে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং ভারত পাকিস্তান প্রেসর চ্যালেঞ্জ রহব। এবং অন্যপটে গোটি দিন পূর্ব যেহেতু পাকিস্তান নিজের চূড়ান্ত একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছি এবং সবুঠ বড় কথা হচ্ছে যে চারিজন ফাস্ট বোলর সহ আজ ময়দান ওহ্লাইব পাকিস্তান। প্রেমদাস স্টাডিয়াম কলম্বোরে ম্যাচ খেলা যাব এবং এই স্টাডিয়ামে এই স্টাডিয়ামটি হচ্ছে স্লো পিচ অর্থাৎ এটি স্পিনর মানুষ অধিক ফাইদা মিলি থাকে কিন্তু পাকিস্তান চারিজন ফাস্ট বোলর সহ ময়দান ওহ্লাউছে অর্থাৎ কেউটি না কেউটি কনফিডেন্স পাকিস্তান পাখে অন তাঁর যে রয়েছে ফাস্ট বোলর সে দলক সফলতা দেউছেন। সাইন্স আফ্রিদি কথা কুহতু, হ্যারিস ত্রফ এবং নসিম সাহা এই তিনজন কেউটি না কেউটি পাকিস্তানকে ভালো সফলতা দেউছেন বিশেষ করে ভারত বিপক্ষ ম্যাচে। প্রথম দুই তিন ওভর কথা কুহতু বা কোড়িয়ে তিরিশ রন ভিতরে গোটি দুইটি উইকেট সে হাসল করে নেওয়া যা ফলে ভারত টফ হয়ে যাচ্ছে ম্যাচ কেউটি না কেউটি ব্যাকফুট কু চালি আসুচি টিম ইন্ডিয়া। আজ সেই ভুলরে সুধার আনবাক টিম ইন্ডিয়া কু যে ওপনিং আসুচার ওপনিং যোড়ি কু লম্বা ইনিংস খেলা পড়ব গোটে অধিক সময় পাই ক্রিজরে রহবাক পড়ব। হাই ভোল্টেজ ম্যাচ রয়েছে আজ কারণ পাকিস্তান গোটিয়ে ম্যাচ অলরেডি জিতি সারিছি এবং যদি আজ ভারত সুপর ফোর তা ফাস্ট ম্যাচ খেলুছি যদি আজ ভারত হারি যাচ্ছি তবে পাকিস্তান আউ দুই অঙ্ক সহ কেউটি না কেউটি ফাইনালর দ্বারদেশে পৌঁছব কিন্তু ভারত পাই টপ হয়ে যাব আগামী ম্যাচ। যদি শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ বিপক্ষ ম্যাচে বর্ষা হচ্ছে তবে পয়েন্ট ভাগ হয়ে যাব এবং টপ হয়ে যাব ভারতকে ফাইনালে পৌঁছাই।